बोतल निशाने के लिए रखी हुई बोतल। लेकिन जहां तक तो मेरी आवाज आ रही है, सभी से मेरी हाथ विनती है कि पंडाल में पहुंचे, क्योंकि बच्चों ने छोटा छोटा बिल्कुल छोटे छोटे बच्चों ने एक अच्छा कार्यक्रम तैयार किया है। मैं ये चाहता हूं कि आप इनके मनोबल को बढ़ाएं, आप यहां पहुंचे, हमें भी अच्छा लगेगा और बच्चों को भी अच्छा लगेगा। उसके बाद हमारी जो बात है वो बातें हम रखेंगे। तो जहां तक मेरी आवाज आ रही है, हम एक गीत गाएंगे और नुक्कड़ नाटक भी करेंगे। एक तो गीत है हमारे और नुक्कड़ नाटक भी है। तो जहां तक भी मेरी आवाज पहुंच रही है, सभी से मेरी आवाज की विनती है कि पंडाल में पहुंचे साफ आ रहा टेस्ट करें, इधर से बनाओ ना, क्योंकि बहुत ही बड़ी बात है ये कि छोटे छोटे बच्चों ने जो गर्मी में छुट्टी हुई है, तो शिमला जाओ या कोई कहीं, इन बच्चों ने अपनी समस्या आप लोगों के साथ जुड़कर आप लोगों को प्रोग्राम में ये आए हैं। एक तालियां तो बनती है, एक जोरदार तालियां, क्योंकि तालियां जो होती है ना कलाकार को जूस और दीदी तरह लगती है, ठीक है ना। तो आइए, जहां तक भी मेरी आवाज जा रही है, सभी से हाथ जोड़कर विनती है और शोर ना करें, क्योंकि बच्चों के पास माइक नहीं है, ऐसी कोई सुविधा नहीं है। तो मैं बोल रहा था कि इन्होंने इतनी गर्मी में ये कार्यक्रम अपना तैयार किया, ये बच्चे चाहते हैं कि हम इस समाज को बदलने में अपनी भूमिका निभाएं। ये छोटे छोटे बच्चे चाहते हैं, इनको देख कर शायद आप लोगों को भी ये लगे कि हमें भी उठना चाहिए, हमें भी बुराई के खिलाफ लड़ना चाहिए, इसलिए हम सब आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं। सबसे पहले हम एक गीत दिखाएंगे, सुनाएंगे आपको कि आ गए यहाँ जमा कदम मंजिलों को ढूंढते हुए। उसके बाद हम एक गीत और है हमारा, देश में अगर बेटियां मायूस है ना साथ है, दिल पर रखकर हाथ कहिए देश क्या आजाद है। उसके बाद फिर एक नुक्कड़ नाटक होगा, इन बच्चों ने बड़े ही हौसले से और गर्मी में रह के तैयार किया है, बहुत ही मेहनत से, मैंने कुछ नहीं कराया, मैं तो केवल इनके साथ रहा हूं। बस हर बच्चे के अंदर एक कलाकारी होती है, साथियों सर्वप्रथम में CITU जिला कमेटी गुड़गावा की ओर से पटरी रैली, ये हमारी कमेटी की ओर से आशा आंगनबाड़ी मिड डे मील वन मजदूर चौकीदार भवन निर्माण सफाई मजदूर तमाम औद्योगों के मजदूरों की ओर से आज के इस
कार्यक्रम में जो नुक्कड़ नाटक के कलाकार जननाट्य मंच की ओर से अपना सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश करने के लिए आए हैं, मैं उनका क्रांतिकारी अभिनंदन करता हूं और महान स्वागत करता हूं। साथी कलाकार बच्चों की हौसला बुलाई के लिए सभी साथी ताड़ियों के साथ इन बच्चों का यहाँ स्वागत करें, ताड़ियां बजा के। उसके बाद अभी जो सांस्कृतिक प्रस्तुति है वो आपके सामने बच्चे करेंगे। तो इनकी टीम के जो मुख्य अगुवा है हमारे सांस्कृतिक कर्मी प्रवीण जी, वो इसका संचालन करेंगे। साथी प्रवीण, धन्यवाद सर। देखिए ये मैं बता देता हूँ, ये कुछ बच्चे हैं, ये हमारी फ्रेंड्स कॉलोनी है, यहाँ से हैं, कुछ बसी से आए हुए हैं, इन्होंने अपना ये कार्यक्रम जो तैयार कर रखा है। हम चाहते हैं कि हम इस कार्यक्रम को शुरू करते जी, हाँ जी प्रोग्राम शुरू करते करते शुरू। एक बार जोर से बोलो, जोर से। थोड़ा पीछे पीछे हो जाओ, थोड़ा थोड़ा पीछे पीछे हो जाओ, ये और साथी आए और बैठ जाएंगे, थोड़ा और पीछे पीछे हो जाओ, लगा दो, लगा दो यहाँ साइड। ये पहले पहले आगे आ जाए, साथी थोड़े थोड़े पीछे जाए, क्योंकि सांस्कृतिक कर्मी आप अपना नाटक पेश करेंगे। ये थोड़े थोड़े पीछे जाए, हाँ बैठो थोड़े पीछे हो जाओ।